तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं पिछले एक डेढ़ साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं? शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं, कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है, और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। अगर आप एक जीवन रक्षक दवा जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए, शुगर बढ़ने पर वो कोलैप्स कर सकता है, शुगर अचानक डाउन होने पर कोलैप्स कर सकता है, और आप उसकी जिंदगी के साथ 23 दिन तक खिलवाड़ करते रहे, आपने इंसुलिन नहीं दिया, इतना हो हल्ला हुआ तो इंसुलिन दिया आपने। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का परिवार, उनकी पत्नी, दिल्ली के लोग, देश के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी से बेहद प्यार करते हैं, वो चिंतित हैं, परेशान हैं इस बात को लेके कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या घटना ये लोग अंजाम दे देंगे क्या। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं पिछले एक डेढ़ साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं? शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं, कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है, और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। अगर आप एक जीवन रक्षक दवा जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए, शुगर बढ़ने पर वो कोलैप्स कर सकता है, शुगर अचानक डाउन होने पर कोलैप्स कर सकता है, और आप उसकी जिंदगी के साथ 23 दिन तक खिलवाड़ करते रहे, आपने इंसुलिन नहीं दिया, इतना हो हल्ला हुआ तो इंसुलिन दिया आपने। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का परिवार, उनकी पत्नी, दिल्ली के लोग, देश के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी से बेहद प्यार करते हैं, वो चिंतित हैं, परेशान हैं इस बात को लेके कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या घटना ये लोग अंजाम दे देंगे क्या।